والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله المولانا العظيم. इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा ना. ये सूरह हिज्र की नवी आयत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफिज़ून है और इसकी तफसील आ गई है. तकरीबन याद दहानी के लिए 5 किस्तें उसकी आ चुकी हैं और अब इसमें 1-2 चीज़ें रह गई हैं, वो इसी के साथ वाबस्ता हैं. वो ये है कि ये तो तफसील के साथ आ गया. अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया. अब सवाल है क्यों ले लिया, ये एक सवाल है. तो उसका जवाब ये है, कुरान पाक का जो पैगाम है ये किसी खास कौम के लिए मखसूस नहीं है, न किसी खास दौर के लिए है कि उस तक महदूद हो उसके बाद नहीं, बल्कि ये कुरान पाक कयामत तक के लिए तमाम इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए है. तो जब यह है तो इसका मतलब तो है कि इसका पैगाम हमेशा रहना चाहिए, लिहाजा एक एक हर्फ इसका महफूज रहना चाहिए ताकि कयामत तक आने वाली जो नस्ल हैं और इंसान हैं तो वो इससे हिदायत हासिल करें, रोशनी हासिल कर लें. तो किसी भी ज़माने में कोई भी दौर खाली नहीं रहना चाहिए जिसमें कुरान पाक मौजूद न हो, क्योंकि इंसानियत की निजात का आखिरी ज़रिया यही है, आखिरी सफीना ये है. इसलिए अल्लाह ताला ने इस हिफाजत की खुद ज़िम्मेदारी ले ली. और बाकी किताबों के बारे में ऐसा नहीं था, वहाँ ये था कि जब कोई किताब ज़ाया हो जाती थी या उसमें तहरीफ की जाती थी तो अल्लाह ताला दूसरे पैगंबर को भेजते थे और दूसरी किताबें अल्लाह ताला नाजिल फरमाते थे. चुनांचे 100 से ज़्यादा किताबें अल्लाह ताला ने आसमान से नाजिल फरमाई हैं और 4 किताबों का तज़किरा कुरान पाक में है, खुद कुरान पाक का तज़किरा कुरान पाक में है और इंजील और तौरात और ज़बूर का तज़किरा भी इसमें है. तो फरमाते हैं कि ये जो हिफाजत कुरान है इसमें ख़त्म नबूवत की भी दलील है. ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ाति गिरामी पर नबूवत ख़त्म हो चुकी है. क्यों? इसलिए कि अगर नबूवत का सिलसिला जारी रहता तो अल्लाह तबारक ताला इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि जैसे पहले ज़माने में था ऐसे अब भी होता कि सिलसिला चल रहा है, किताबें ज़ाया हो जाती हैं, महरफ हो जाती हैं, दूसरा नबी आ रहा है और तीसरा नबी आ रहा है, सिलसिला चल रहा है. जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इस किताब की हिफाजत करेंगे मैं दूसरी किताब नहीं भेजेंगे, तो जो नबी जिन पर ये किताब नाजिल हुई है इसका मतलब उनकी नबूवत भी आखिरी नबूवत है, इसे उसके बाद कोई नबी
नहीं आएगा। तो ये मुफस्सिरीन किराम ने दलील दी है कि हिफाजत कुरान के ज़िम्न में ख़त्म नबूवत का भी तज़किरा खुद आ गया। वैसे शुरू से भी ख़त्म नबूवत का तज़किरा कुरान पाक में है। ईमान वालों की जो सिफात अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान फरमाई हैं कि अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब, जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके सिफात क्या क्या हैं, युमिनून बिलग़ैब, उनको यकीन है किस पर, गैब पर। अल्लज़ीन युमिनून बिलग़ैब वयुक़ीमून अस्सलाह, और वो नमाजों के पाबंद हैं, नमाज कायम करते हैं वो। वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फ़िक़ून, और जो कुछ हमने उनको रिज़्क दिया है वो उसमें से खर्च करते रहते हैं, इन्हें ज़कात भी देते हैं और दूसरी चीज़ें अशूर हैं, सदक़ात हैं, खैरात हैं। तो ये उनकी सिफात बताई गई कि गैब पर ईमान है, नमाजों के पाबंद हैं, जिस्मानी इबादत है ये, और जो रिज़्क दिया उसमें खर्च करते हैं, माली इबादत है। फिर फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, और वो लोग ऐसे हैं कि वो यकीन रखते हैं उस कलाम पर जो कलाम आपके ऊपर नाजिल हुआ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और जो कुछ नाजिल हुआ है आपसे पहले उन पर भी उनका ईमान है। इन्हें अगर किताबें मौजूद नहीं है लेकिन ईमान है कि हाँ अल्लाह ताला ने आसमान से इंसानों की हिदायत के लिए किताबें भेजी हैं। वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक, और वमा युन्ज़िलु मिन बादिक, ये नहीं आया, ये सिर्फ इतना आया कि जो आप पर नाजिल हुआ है उस पर भी उनका ईमान है, जो आपसे पहले नाजिल हुआ है उस पर भी ईमान है। तो ये होना चाहिए आपके बाद भी जो कुछ नाजिल होगा उस पर भी वो ईमान लाएंगे, उसका तज़किरा है ही नहीं। तो मालूम हुआ कि जो सिफतें बताई बयान की गई हैं उसमें उन्ज़िले इलैका तो आया और वमा उन्ज़िले मिन क़ब्लिक आया, बादिक का तज़किरा ही नहीं, क्योंकि जब बाद में नाजिल ही नहीं होगा कुछ तो ईमान किस पर लाएंगे। तो ये ख़त्म नबूवत के सिलसिले में हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने एक दलील दे दी है, कहते ये दलील है इस बात की कि अब कुछ नाजिल होने वाला नहीं। क्यों? इस उम्मत को अल्लाह ताला ने वो सारी खूबियां अता फरमाई जो सारी उम्मतों को हैं, यानी 69 उम्मतें इससे पहले आई, ये 70वीं उम्मत है, ये इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वही आंच खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी, जो खूबियां सब नबूवतों को मिली है और उम्मतों को मिली है वो सब खूबियां अल्लाह ने इस उम्मत को दे दी हैं। तो अगर नज़ूल किताब का सिलसिला जारी रहता तो इस उम्मत को उस पर भी ईमान लाना था, लेकिन उसका तज़किरा नहीं। वह बिल आखिरत हुम यूकिनून, और आखिरत पर उनको यकीन है। बहरहाल ये फरमाया, ये दलील है इस बात की कि किताब भी आखिरी है और नबी भी आखिरी है। अब और दो चीज़ें हैं कि हाफिज को हाफिज क्यों कहा जाता है। इब्तिदा में पहले ज़माने में रसूलुल्लाह के ज़माने में हाफिजों को कारी कहा जाता था, क्या? जी जी, और उनकी जमा कुर्रा। ये कारी उनको क्यों कहा जाता था, ये कुरान पाक की एक आयत से उन्होंने इसको अख्ज किया है, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक, चूंकि पहली वही ऐसी आई है जिसमें पढ़ने का तज़किरा है तो पढ़ने वाले को कारी कहते हैं। जैसे उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब जिब्रील ने कहा इक़रा, आपने फरमाया मा अना बिक़ारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, तो कारी का लफ्ज़ बताया। तो पहले ज़माने में जो कारी होता था वो हाफिज़ भी होता था, वो आलिम भी होता था, इसे कुर्रा का तज़किरा अक्सर बेशतर हदीसों में आता है कि नेक कारी भी दुनिया में आएंगे और दूसरे किस्म की कारी भी आएंगे। तो उसमें फरमाया कि उन कारियों के लिए ये वईद है, ये वईद है, वो दिखाएंगे लोगों को वगैरह ज़ालिक। अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये शोबे अलग अलग हो गए, जैसे तालीमी शोबा बहुत वसी हो गया, हम पहले एक ही मास्टर सारे सब्जेक्ट पढ़ाता था, हिसाब भी वही पढ़ाता था, अंग्रेजी भी पढ़ाता था, उर्दू भी वही पढ़ाता था। अब चूंकि तालीम का सिलसिला इतना वसी हो गया है, अब जो जो इंग्लिश वाला टीचर होगा वो मैथ नहीं पढ़ा सकता, जो मैथ पढ़ाता है वो इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता। इसका मतलब ये नहीं कि उसको इंग्लिश आती नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट पढ़ा नहीं गए, वो कहेंगे भाई इंग्लिश मास्टर के पास जाओ।
ऐसे एक ही डॉक्टर सारे आजा का इलाज करता था, अब तो सभी अलग अलग हो गए। एक डॉक्टर किसी सभी के साथ ताल्लुक था, दूसरा किसी के साथ। मैंने एक मतलब ऐसे मजाक में कहा था, मैंने कहा भाई अब तो डॉक्टरी इतनी फैली है, अब शायद दाएं आंख का डॉक्टर अलग होगा, बाएं का अलग होगा। एक आदमी ने कहा उसका तो है, मैंने वैसे ही कह दिया था। उन्होंने कहा अनाज छो दक्षिणेशन डॉक्टर से अलग खोड़े छुनछु अलग। तो ये कितने शोबे वसी हो गई। बिल्कुल ऐसा ही हुआ, शुरू में एक ही आदमी जो होता था वो सारे काम खुद ही कर लेता था। वो हाफिज भी होता था, कारी भी होता था, मुफस्सिर भी होता था, मुबल्लिग भी होता था, और ये सारे कातिब भी होता था। बाद में शोबे अलग अलग हो गए। अब यह है कि अब हाफिज को हम कारी नहीं कहते, क्या कारी को हाफिज नहीं कहते? उसकी वजह यह है किरात एक अलग फन है। तो जो उम्दा कुरान पाक पढ़ता हो और तजवीद के कवायद से वाकिफ हो, एक तो जरूरत के बकदर कवायद का जानना वो तो हाफिज के लिए भी जरूरी है क्या? लेकिन इस्तिलाह में आज हम हाफिजों को कारी नहीं कहते, कारी उसको कहते हैं जो पूरे फन का क्या हो, माहिर हो। और हर कारी हाफिज भी नहीं होता। मैं एक मदरसे में पढ़ता था, वहां जो सदरुल कुरा थे, क्या वो सदरुल कुरा कारियों के और किताब भी लिखी है उसने, कई किताबें किरात पर, लेकिन हाफिज नहीं थे क्या? हाफिज नहीं थे। तो बाद मतलब हाफिज होता है बकदर जरूरत तो वो कवायद जानता है, लेकिन मुकम्मल वो कारी नहीं होता है। तो इसलिए बहरहाल कारी अलग है आज और हाफिज अलग है आज। और बाज लोग सिर्फ कारी होते हैं, हाफिज नहीं होते हैं, आलिम भी नहीं होते हैं। तो अब्बास जो है वो हाफिज होते हैं लेकिन वो मुस्तकिल बाकायदा कारी नहीं होता। कोई आलिम होना भी उसके लिए जरूरी? ये बहुत सारे हाफिज हैं बल्कि आलिम नहीं। तो बहरहाल ये है कि कुर्रा उनको कहने लगा अब कारी हजरात जो पूरे फन से वाकिफ हों, और हाफिज जो कुरान पाक जिसने पूरा मुकम्मल हिफ्ज किया हो। तो ये हाफिज का लफ्ज कहां से आया? कारी का लफ्ज तो आया इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। तो हाफिज इनको क्यों कहने लगे? कहते हैं ये इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून से माखूज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान पाक को हमने नाजिल किया, इसकी हिफाजत करने वाले हम हैं, और अल्लाह ने अपने लिए उसको जमा का सेगा इस्तेमाल किया व इन्ना लहू लहाफिज़ून। ये हाफिज़ून हाफिज की जमा है, हाफिज माने एक हाफिज, हाफिज़ून माने बहुत सारे। तो अल्लाह ने फरमाया हम हाफिज़ून है, हम इसकी खुद हिफाजत करने वाले हैं। तो चूंकि आलमी असबाब है, आप कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह करेगा किससे करेगा? कहते हैं कि इंसानों के जरिए। किसके जरिए? तो अल्लाह ताला ने चूंकि हाफिजून कहा, तो इसलिए इस आयत से अख्ज करके जिसको सारा कुरान पाक याद हो उसको हाफिज कहने लगे क्या? जो ही हाफिज कहेंगे तो फौरन जहन में आ जाएगा तो ये हाफिजाब है। तो ये चूंकि हाफिजून का लफ्ज आया इससे मालूम हुआ कि कुरान पाक याद करना, उम्मत में हाफिजों का होना ये फर्ज किफाया है। क्या है? फर्ज किफाया है। क्यों? अगर कोई नहीं रहेगा तो कुरान पाक की हिफाजत कैसे हो जाएगी? कंप्यूटर तो हिफाजत नहीं करेगा। जैसे एक आदमी ने कहा हाफिज बनने की जरूरत नहीं आज कंप्यूटर है, कंप्यूटर खराब भी हो सकता है, क्या भरोसा है कंप्यूटर पर? फिर दूसरी बात यह है कुरान पाक सुनना और सुनाना ये तो मुस्तकिल एक सुन्नत है। तो जब कोई हाफिज नहीं होगा, आप तरावी पढ़ानी है ना, तो जाहिर सी बात है तरावी में क्या पढ़ाएंगे? तो कंप्यूटर सामने रख देंगे और उसको चालू कर देंगे, वही अल्लाह अकबर कहेगा और वो करेगा। हाँ, तो ऐसा कहने की जहालत है। या इसी तरह से बाज लोग कहते हैं कि भाई ये तो तोते की रट है, क्या है, क्यों ये घोटा तो करना ही है याद, लेकिन ये तोते की रट नहीं है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये कुरान पाक की हिफाजत का एक जरिया है। इसलिए फरमाए एक दो हाफिज होंगे तो वादा पूरा नहीं होगा, बल्कि एक जमात होनी चाहिए। क्या हर हर मुल्क में एक एक जमात, हर हर बड़े बड़े गांव में होनी चाहिए जमातें, तब ये कहा जाएगा कि हाँ कुरान पाक की हिफाजत हो रही है। फिर दूसरी बात यह है कि खुद भी नमाजों में पढ़ना है, तो सहाबा किराम नमाजों में पढ़ते थे और वो तो बेशुम बहुत सारे वहां हाफिज होते थे। तो इसमें हुफाज की फजीलत भी है। क्या फजीलत है? कि अल्लाह तबारक ताला ने जो अपने लिए जो लफ्ज इस्तेमाल फरमाया, यानी हाफिज, हम हाफिज हैं किसके? कुरान पाक के, उसके लिए इनको मुंतखब कर लिया, इसलिए हाफिज की फजीलत भी बहुत है।
एक रिवायत में कि जो हाफिज हो और वो कुरान पाक के ऊपर अमल भी करता हो, क्या हो? खाली हाफिज हो और अल्लाह बचाए कि नमाज भी नहीं पढ़ता है, उसके बारे में वो तफसील वो वादा नहीं है। वो वादा उसके बारे में जो सालेह हो, नेक हो, कुरान पाक के ऊपर अमल कर रहा हो, फिर हाफिज भी हो, तो उसके बारे में ये है कि वो मैशर के मैदान में 10 आदमियों की सिफारिश करेगा। कितनी? यानी 10 कौन से? जिनको लिखा गया जहन्नमी है ये, तो उससे कहा जाएगा कि तुमको इकराम दिया जाएगा, एहतराम, कि तुम 10 आदमी की सिफारिश कर सकते हो, किसी को भी निकालो 10 की, तो उसको इख्तियार दिया जाएगा, तो वो जाके निकालेगा 10 को, तो ये महज उसका इकराम एहतराम है। लेकिन अगर वो आमिल नहीं है, अमल नहीं कर रहा है उस पर, वो तो खुद ही फंसेगा, वो दूसरों को क्या बचाएगा? गोया कि खाली सिर्फ हिफ्ज करना ही काफी नहीं है, जब तक उस पर क्या ना हो, अमल हो। और हमारे कारी साहब फरमाते थे, कारी मीर हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जब हाफिज कोई गलती करता है, गुनाह करता है, तो कुरान अंदर से बोलता है कि ओ बेहया, मुझे सीने में रखा है और मेरी मुखालफत कर रहा है। जिसे हदीस में है, बहुत सारे लोग कुरान पाक की तिलावत करते हैं लेकिन कुरान पाक उन पर लानत कर रहा है, क्या करता है? तो तिलावत करने वाले पर कुरान पाक लानत कैसे करेगा? कहते हैं कि वो तिलावत भी करता है और झूठ भी बोलता है, क्या? तो जब वो खुद पढ़ता लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, है ना, तर्जमा क्या करेंगे? झूठों पर लानत, झूठों पर, वो खुद इस बीमारी का शिकार है। तो बहरहाल ये फरमाया, इसमें हुफाज के लिए भी बहुत फजीलत की बात है। तो ये फर्ज किफाया है, और फर्ज किफाया आप सब जानते हैं कि हर एक इंसान के ऊपर फर्ज नहीं है, लेकिन उम्मत के ऊपर फर्ज है, क्या? मजमू उम्मत के ऊपर फर्ज है। जैसे जनाजा, हर हर फर्ज पर नमाज जनाजा पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन एक जमात ऐसी होनी चाहिए उस वक्त जो नमाज जनाजा पढ़ ले और मैत को दफन कर ले और उसको गुस्ल वगैरह दे दे। इस तरह से कुरान पाक जो है, ये इसका याद करना, ये उम्मत के ऊपर फर्ज किफाया है। बहरहाल इस आयत की तफसील तो आ गई। आइए अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकद अरसलना मिन कब्लिक फी शियाइल अव्वलीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन बेशक हमने भेजा पैगंबरों को, मिन कब्लिक, आपसे पहले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फी शियाइल अव्वलीन, गुज़श्ता लोगों के अंदर, यानी अगले लोग जो आपसे पहले गुजर चुके हैं उनके अंदर भी हमने नबियों को भेजा है जो आपसे पहले आए हैं। और वमा यतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, नहीं आया उनके पास कोई नबी, पुराने लोगों के पास, पुरानी उम्मतों के पास, इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, मगर वो लोग उसका मजाक उड़ाते थे। क्या उड़ाते थे? इसमें तसल्ली है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अगर ये लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं तो आप इसकी वजह से तंगदिल न हो, ये सिलसिला पहले से चला आ रहा है। तो मजाक क्या 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 मजाक करते थे, कभी एक मजाक करते थे, कभी दूसरा मजाक करते थे, कभी कहते थे कि क्या अल्लाह ताला को आपके अलावा कोई और नहीं मिला? आप ताइफ तशरीफ ले गए थे 3 भाइयों से मुलाकात करने के लिए, तो एक ने कहा कि क्या अल्लाह ताला को और कोई मिला ही नहीं आपके सिवा? और कुरान पाक में भी है सूरह ज़ुख़रुफ़ में, وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ, कहने लगे कि लौला नुज़िल हाज़ल कुरान, ये कुरान पाक अगर ये अल्लाह का कलाम है तो किसी बड़े शख्स के ऊपर ये क्यों नहीं नाजिल हुआ? करियतैनी अज़ीम के माने आते हैं इन दो बस्तियों में, इन दो, ये दो बस्तियां हैं मक्का और ताइफ, तो किसी बड़े आदमी के ऊपर क्यों नाजिल नहीं हुआ? जो मालदार भी हो और जो जरा सरदार किस्म का भी हो, उन पर नाजिल क्यों नहीं हुआ और आप पर नाजिल हुए? तो ये भी एतराज करते थे। इसी तरह से आते थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उसको भी मजाक करते थे, फिरौन मजाक करता था। जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे कि इस्लाम को, ईमान कबूल कर लो, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, जन्नत मिलेगी क्या, तो फिरौन कहता था कि तुम्हें वो तो उधार जन्नत है और यहां मिस्र में तो नकद जन्नत है। वनादा फिरौन फी कौमिही قال يا قوم اليس لي ملك مصر, कह देंगे लोगो
क्या ये मिस्र की सल्तनत मेरी नहीं है? वहादिल अनहार तजरी मिन तहती, और देखो नहरें मेरे महल के सामने बह रही हैं, और पूरा जो है वो शहर इसमें नहरें हैं, गो ये भी जन्नत है। अफला तुबसिरून, तो क्यों देखते क्यों नहीं हो? मतलब तो है कि जो चीज तुमको जरूरत है वो चीज तुमको दे दी जाएगी। फिर कहते थे अम अना खैरुम मिन हादल लदी हुआ महीन, बताओ क्या मैं अफजल हूं? फिरौन कहता था या ये शख्स जो कम दर्जा है, क्या है कम दर्जे का, महीन कम कदर है, वला यकाद युबीन, और साथ में कहता था और ये साफ बात भी नहीं कह पाता है, क्या कुव्वत बयानिया भी नहीं रखता है। कभी कहता था फलाला उल्किया अलैहा अस्वरतुन मिन ज़हब, कहते हैं कि सोने के कंगन इस पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो बनी इसराइल खुद गरीब हैं और ये खुद गरीब है। औ जा माहुल मलाइकतुल मुक्तरिनीन, या इसके पास फरिश्ते क्यों नहीं आते हैं कि फरिश्ते दाएं भी होते और बाएं भी होते और दरमियान में हजरत तशरीफ ले जाते मूसा अलैहि सलाम, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई खुदा का नबी है अल्लाह का। कहते हैं ऐसा भी नहीं है, फरिश्ते भी इनके साथ नहीं आते हैं। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला सुना रहे हैं कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आया और आपको वो इस तरह से ठट्ठा करेंगे, ये कोई नई बात नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वो कहते थे कि तो आपके पास बाग क्यों नहीं है, क्या बाग क्यों नहीं है आपके पास, या आपके पास जो है वो सोने चांदी का महल क्यों नहीं है? ये सारी चीजें दोबारा अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, जब भी कोई नबी आया उनके पास तो उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। और एक जगह अल्लाह ने फरमाया या हसरतन अलल इबाद, या हसरतन मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, सूरह यासीन में है ना। अफसोस बंदों पर, क्या अफसोस बंदों पर, जब भी उनके पास कोई नबी आया तो जरूर उन्होंने उसका क्या किया, मजाक उड़ाया। बहरहाल हजरत को इसमें तसल्ली है, फरमाया कज़ालिक नस्लुकुहु फी कुलूबिल मुजरिमीन, कज़ालिक इसी तरह से नस्लुकुहु, उनकी हरदर्मी की वजह से हम दाखिल कर रहे हैं उनके अंदर किस चीज को, इसी इनकार को और इस्तेहजा को, फी कुलूबिल मुजरिमीन, मुजरिमीन के दिलों में, मुजरिमीन के दिलों में। मतलब तो ये है कि पहले से आ रहा है जो हर धर्म होते हैं, तो फिर वही नाजिल हो जाती है तो उसके साथ वो मजाक भी करते रहते हैं। इसीलिए वो कहते थे मता हाजल वाद इन कुंतुम साजिकीन, बहुत दिनों से आप कह रहे हैं कयामत आएगी आएगी, जनाब वो कयामत रुकी कहां, क्यों नहीं आती, क्यों नहीं है? ला युमिनून बिही वकद खलत सुन्नतुल अव्वलीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं बस ये ईमान नहीं लाएंगे इस कुरान पाक पर। मक्का शरीफ के जो खास खास जो लोग थे, बड़े बड़े लोग, हर धर्म बहुत थे, ये इस पर ईमान नहीं लाएंगे। जैसे एक आदमी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, कहने लगे कि ये कुरान पाक आप पर नाजिल हुआ है? कहने का हाँ। कहने के कि अगर मैं खुद फरिश्ते को देखूंगा कि वो आपके सामने वही ला रहा है, तब भी मैं आपके को नबी नहीं मानूंगा, अब इसका क्या इलाज है? बल्कि ये फरमाया ईमान नहीं लाएंगे, वक्त खलत सुन्नतुल अव्वलीन, और अव्वलीन के साथ जो इससे पहले आ चुके हैं, अल्लाह का जो दस्तूर है वो गुजर चुका है। मतलब तो ये है कि उनको मोहलत दे दी जाएगी, फिर आखिर में इनकी पकड़ होगी, दुनिया में न सही तो आसमान आखिरत में होगी ही। आप वो कहते थे कभी कभी फरिश्ते आने चाहिए, क्या हम फरिश्तों को देखेंगे? जब आप देखते हम क्यों नहीं देखेंगे? उसका जवाब अल्लाह ने फरमाया ये जो मौजजा तलब करते हैं आपसे कि वो मौजजा दिखा दो, ये मौजजा दिखा दो, बिलफर्ज अगर हम आसमान के दरवाजे खोलें, क्या खोलें? वलौ फतहना अलैहिम बाबं मिनस समा, और अगर हम खोलेंगे आसमान के एक दरवाजा उनके सामने, फजल्लु फीही अरजून, और फिर वो दिन भर उसमें चढ़ते रहेंगे, वो सीढ़ी भी लगा लेगा अल्लाह ताला, चढ़ो 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 चढ़ो, अपने आंखों से देखने के बावजूद ये कहेंगे कि जनाब ये तो नजरबंदी है, क्या लकालू, जरूर वो कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, हमारे आंखों में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिए गए हमारे आंखें, यानी नजरबंदी की गई है। नजरबंदी जब की जाती है तो आदमी कुछ से कुछ देखता है। पहले जमाने वो जगलर आते थे,
बैठते थे बाजार में कहीं लगाकर, तो वो नजरबंदी करते थे। नजरबंदी क्या करते थे, वही करिश्मे दिखाते थे, किसी लड़की की जबान काटी, देखा खून निकल रहा है, लोग वो कह रहे हैं अफसोस है अफसोस, वो सब कुछ भी नहीं होता था, वो क्या होता था, नजरबंदी। और जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगर आए, जाहिर सी बात है रस्सी सांप कैसे बन जाएगा, क्योंकि उसमें तो जान डालनी है ना, इंसान क्या जान डाले। और इसलिए उन्होंने नजरबंदी की और लोगों को नजर आया कि वो सांप चल रहे हैं, रस्सियां जो थी और जो लाठियां थी। तो ये कहने अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर इनको चढ़ाएंगे हम आसमान में, किसमें, आसमान में चढ़ाएंगे, और ये तब भी कहेंगे इन्नमा सुक्किरत अबसारुना, कहते हैं तो नजरबंदी की गई है, बल नहनु कौमुन मसहूरून, बल्कि कहेंगे कि हम पर तो जादू कर दिया गया है। पहले तो नजरबंदी कहेंगे और फिर आखिर में कहेंगे क्या, हम पर जादू किया गया है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फरिश्ते देखने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि अगर ये लोग गौर करें तो जो चीजें इनको नजर आती हैं वही काफी है हिदायत के लिए, अल्लाह ताला की कुदरत के लिए। सिर्फ फरिश्ते ही देखने हैं क्या? फरमाते हैं आसमान को नहीं देखते, जमीन को नहीं देखते, पहाड़ को नहीं देखते, बल्कि एक जगह अल्लाह ने फरमाया अफला यंजुरून इलल इबल कैफ खुलकत, ये लोग ऊंट को नहीं देखते हैं कैसे हमने इसको बनाया। कोई भी जानवर इतने दिनों बगैर पानी के जिंदा नहीं रहेगा जितने दिनों ऊंट रहता है। तो फरमाया कि अफला यंजुरून इलल इबल कैफ खुलकत, ये देखते नहीं है ऊंट कैसा है। वइल समाए कैफ रुफ़िअत, ये लोग आसमान को नहीं देखते हैं यूं नजर उठा के कि आसमान कितना बुलंद है और बगैर सितूनों के है। वइल जिबाल कैफ नुसिबत, ये पहाड़ों की तरफ नहीं देखते हैं कि पहाड़ इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, और अरब में चूंकि पहाड़ बहुत होते थे। वइल अर्ज कैफ सुतहत, जमीन की तरफ नहीं देखते। तो वह अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुदरत की निशानियां हैं, कुदरत की। और अहले अरब जब सफर करते थे आमतौर से तो ऊंटों पर सफर करते थे, और ऊपर देखे तो आसमान है, नीचे देखते तो पहाड़ हैं, और सामने उनके ऊंट होते थे और जमीन तो बहरहाल है ही। तो ये दलाइल अल्लाह ने फरमाए, चार दलाइल के, ऊंट पर गौर कर लो तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में आएगी, आसमान पर गौर कर लो, पहाड़ों पर गौर कर लो, जमीन पर गौर कर लो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर ये लोग गौर करेंगे इस कायनात पर, जो कायनात इनको नजर आ रही है, तो अल्लाह की कुदरत समझ में आ जाएगी। लेकिन अजीब बात यह कि आदमी जिन चीजों को बचपन से देखता रहता है उनसे मुतासिर ही नहीं होता है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अजीबो गरीब है, क्या है अजीबो गरीब, ऐसी अकल अल्लाह ने किसी को अता नहीं फरमाई जैसे इंसान को। जिन्नात भी मुकल्लफ हैं लेकिन जिन्नात को इतनी अकल नहीं। उलमाए किराम से सुना है कि जिन्नात को इंसान के मुकाबले में थोड़ी सी अकल दे दी गई है, जितनी हमारे 10 साल के बच्चे को अकल है ना, 60 साल के जिनको भी वो इतनी अकल नहीं है। ये हमने उलमाए किराम से सुना है, अल्लाह आलम। बहरहाल फरमाया وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमान को देखो, किसको, फरिश्ते देखने की कोई जरूरत नहीं है, यही क्या काम है। यकीनन हमने बनाया आसमान में बुरूज, बुरूज किसे कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ तफसीरें हैं, आखिर में यह है कि इसमें बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े रोशन सितारे हमको भी नजर आते हैं। बाद लोगों ने फरमाया इसमें बड़े बड़े महल्लात हैं जो हम सबको नजर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मखलूकात हैं, सुभान अल्लाह। और ये है बनाया हमने बड़े बड़े सितारे, वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, देखने वालों के लिए हमने इसको खुशनुमा बनाया है। जब बादल नहीं होते हैं, गर्दगुबार नहीं होता है, रात को आप आसमान को देखें कितना खूबसूरत आसमान लगता है, अल्लाह इतने जगमग जगमग तारे होते हैं, करोड़ों की तादाद में तारे हैं। तो बहरहाल पहले जमाने में तो सिर्फ आंखों से देखते थे, या आवाम आज भी सिर्फ आंखों से सितारों को देखता है, अब तो जो साइंसदान है इन्होंने उसके लिए वो टेलीस्कोप बनाए हैं। तो टेलीस्कोप जब लगाते हैं तो अरबों खरबों सितारे नजर आते हैं, पहाड़ों के ऊपर इन्होंने उनको फिक्स कर रखा है बड़ी बड़ी दूरबीनों को। बहरहाल तो दूरबीनें भी होती हैं, मैं एक मतलब मक्का शरीफ पे था, बहुत साल पहले की बात है, तो वहां मैंने देखा
कोई खातून है, वल्ला वालों कहाँ की थी, वो पटरी पर सौदा बेचते हैं। तो बलदिया वाले आते हैं, यानी टाउनरिया वाले आते हैं, वो आते किस तरह से हैं उसे कुछ नहीं कहते हैं, सारा सामान उठा लिया और उसको गाड़ी में भर लिया और चल दिए। तो दुकानदार बेचारा हाथ मलता रह जाता है। और जब उनको मालूम हुआ कि बलदिया वाले आ रहे हैं, बलदिया उसको वो कहते हैं टाउनरिया वाले, तो वो इधर से कहते हैं और वो भाग जाते हैं। बहरहाल मैंने एक खातून को देखा वहां, उसके पास वो ये दूरबीन टेलीस्कोप थी। तो मैंने कहा चलो हम भी देखें, तो मैंने ये उठा लिया तो उसके ऊपर देखने लगा। खरीदनी तो थी नहीं, लेकिन मैंने कहा देखें इसका पावरफुल है या नहीं। तो देख लिया तो पहाड़ थोड़ा दूर पहाड़ था, तो पहाड़ पर कुछ भी नजर न, सिर्फ पहाड़ हल्का सा नजर आ रहा था, कुछ बना हुआ है, कुछ हल्का सा। आप जब वो दूरबीन लगाई ऐसे तो देखा कि मकान भी नजर आ गया और उसको सफेद रंग किया वो ये भी नजर आया, और खिड़कियां और ये दरवाजे सब पूरे नजर आए जैसे बिल्कुल मेरे सामने है। और ताज्जुब की यह बात है, उसके इर्द गिर्द जो तार लगाई हुई थी, वो जो बाड़े वाले तार बागों बागों में लगाते हैं ना, तो वो जो तार थे उसमें लाइनें, वो लाइनें भी नजर आती थी कितनी। तो मैंने गिनना शुरू कर दिया उसमें कितनी है। तो इसको अलग निकालो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो यह है कि जब दूरबीन आदमी लगाता है तो दूर की चीज जो वो नजदीक नजर आती है और साफ नजर आती है। तो अब साइंसदानों ने बड़ी बड़ी दूरबीनें बनाई हैं, उसको लगाकर ये इन्हीं तारों में लगे रहते हैं कि कहाँ कितने सितारे हैं, और नए नए सितारे वो जो है वो डिस्कवर कर लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने बुरुज बनाए आसमान में, और ये देखने वालों के लिए एक खूबसूरत चीज नजर आ रही है और सजावट है। और दूसरा है वहफिज़नाहा मिन कुल शैतानिर रजीम, और हमने इन सितारों को और हमने हिफाजत की है हर मर्दूद शैतान से, यानी शैतान ऊपर नहीं जा सकते हैं कहां आसमानों में। तो ये गोया की हिफाजत के जरिए भी है। पहले ये लोग आसमानों में जाते थे, कुरान पाक में भी है कि इन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा मक़ाइद लिस्समा फमन यस्तमिन आन यजिदहु शिहाबर रसदा, ये सूरह जिन में है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब वही नाजिल हुई तो इनके ऊपर पाबंदी लग गई। किन के ऊपर? शयातीन के ऊपर, जिन्नात के ऊपर, इनके ऊपर पाबंदी लग गई। पाबंदी किस चीज की लग गई? ये पहले बैठते थे वहां आसमान के करीब जाते थे, और हदीस पाक में है कि अल्लाह तबारक ताला जब कोई हुक्म देते हैं तो जो खवास फरिश्ते हैं उनको वो पैगाम देते हैं, वो दूसरे फरिश्तों को पहुंचाते हैं। बल्कि बाज फरिश्ते तो बेहोशी हो जाते हैं कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म नाजिल फरमाया। तो फिर जब उनको बताया जाता है अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमाया है, तो वो उसको आगे दूसरे फरिश्तों को और तीसरे फरिश्तों को आसमान के, ये सिलसिला चलता रहता है। हदीस में यह भी है कि बादलों में भी फरिश्ते रहते हैं, आसमान के करीब फरिश्ते रहते हैं। तो ये जो शयातीन थे ये जाके कान लगाते थे, तो पहले इनकी कोई पाबंदी नहीं थी। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में थोड़ी सी पाबंदी थी, ज्यादा नहीं, लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई इनको। ये क्या करते थे? ये वहां कुछ सुनते थे फरिश्तों की बातें, एक आध बात पल्ले पड़ गई और वो बातें सच्ची होती थी। तो ये जो वापस आते थे काहिनों के पास जिनके मातहत ये शयातीन होते थे, तो उनसे वो एक बात कहते थे, तो वो लोग एक बात के साथ सौ झूठ मिलाते थे, 99 झूठ लोगों से पैसे में से बटोरने के लिए, और इस तरह से अपनी वो गैबदानी का वो कहने के लिए कि हम भी गैब जानते हैं। अब 100 में से एक बात कभी सच्ची निकली? 99 तो निकली नहीं। अब लोग उसी एक बात को जाके दलील में पेश करते थे कि जनाब ये तो गैबदान है ये तो, और वो जो 99 गलत निकली उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। तो उसके ऊपर इंतजाम किया गया कि आज से ये लोग ऊपर नहीं जा सकते, इंतजाम किया गया। तो कुरान पाक ने भी फरमाया कि फरिश्तों ने और जिन्नात ने उसको खुद कहा, शयातीन के पास गए, क्या बात है समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी पाबंदियां ऊपर लग रही हैं, पहले तो आजादी थी और वहां शहाब साकिब आता है वो उनको जला देता है या मार देता है। तो कहते थे وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا,
कहते हैं कि हम आदत के मुआफिक, जैसे पहले आदत थी हम ऊपर जाना चाहते थे आसमान के करीब, लेकिन हम देखते हैं कि सख्त पहरे हैं वहां, क्या जी मुहाफिज फरिश्ते हैं और शौलों से भरा हुआ आसमान देखते हैं, जो करीब हुआ शौल मार लिया। वह इन्ना कुन्ना नक़ुदु मिन्हा, और हम बैठते थे इससे पहले आसमान की खबरें सुनने के लिए खास खास मौकों पर मकादिल सम। लेकिन फमई अस्तमिल आन, जो कोई अब सुनना चाहता है यजिद लहु शिहाब रसदा, तो एक शोला तैयार है उसके ऊपर लग जाता है। और वह इन्ना ला नदरी अशर उरीद बिमन फिल अर्द अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, कहते हम जानते नहीं है कि इनके साथ क्या अल्लाह ताला को मामला करना है। अशर उरीद, क्या जमीन वालों के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई तकलीफ पहुंचाने का कसद किया है। अम अराद बिहिम रब्बुहुम रशदा, या परवरदिगार उनको हिदायत करने का फैसला फरमा रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो शैतान ने कहा तुम जाके देख लो, क्या इबलीस ने, तो जाके जा रहे हैं इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो एक जगह देखा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। तो ये सूरत जिन के शुरू में ये भी है कि कुल ओहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफरुन मिनल जिन्न, तो जिन्नात की एक जमात आई वो सुनने लगे। फकालू इन्ना समिअना कुरआनन अजबा, जब वो वापस गए तो अपनी कौम से कहा कि हमने एक अजीब कुरान सुना। यहदी इला रुश्द फामन्ना भी, वो रास्ता दिखाता है सच्चाई का और हम उस पर ईमान ला चुके हैं। तो बहरहाल उस जमाने से लेकर फिर इनको जो है पाबंदी लगा दी गई ऊपर जाने की। तो अल्लाह ताला यही फरमाते हैं कि हमने जो आसमान के नीचे ये जो लगाए हैं हमने सितारे, ये एक तो खूबसूरती के लिए है और क्या क्या काम होंगे वो अल्लाह ताला जानता है, और दूसरी बात यह है कि शयातीन से हिफाजत के लिए हमने इसको लगा रखा है वहां। अब शयातीन ऊपर नहीं जाते हैं, जो जाएगा या तो जल जाएगा या मर ही जाएगा, लेकिन ये फिर भी नहीं मानते हैं, फिर भी जाते हैं। क्यों? कहते हैं अगर कोई खतरे की जगह हो, लोगों को मालूम है जगह बहुत खतरनाक है, फिर भी लोग जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हैं ना, कितने लोग वहां से लुढ़क गए और खत्म हो गए, फिर भी लोग मानते नहीं क्या? महज इसलिए कि हमारा नाम आ जाए कि भाई फलां आदमी ने फलां चोटी जो है वो सर कर ली। तो इस तरह से ये शयातीन जाते रहते हैं और मारे भी जाते हैं। तो ये फरमाया वो हाफिजना हा मिन कुल शैतानिर रजीम। और सवाल है कि अल्लाह ने फरमाया हमने आसमान को खूबसूरत बनाया है सितारों से, तो ये सितारे आसमान में लगे हुए हैं क्या, जिस तरह से हम छत के अंदर ये बल्ब लगाते हैं? कहते हैं समा आसमान को भी कहते हैं, समा आसमान भी कहते हैं, जैसे कोई हाथ लगाए इसको, आसमान को हाथ लगाया, तो ये जिस जो जुर्म है उसका जुर्म, यानी जो उसकी साख्त है। एक ये है कि ऊपर वाली चीज को समा कहते हैं क्या, इसका मतलब तो ये हुआ कि आसमान बहुत ऊपर है आसमान, उसके नीचे अल्लाह ताला जानता है कितने नीचे हैं, ये नजर आते हैं हमको ये सितारे। और वैसे भी लोग कहते हैं कि भाई चांद आसमान में है क्या, हालांकि आसमान तो बहुत दूर है, सूरज आसमान में है हालांकि सूरज से भी आसमान बहुत दूर है। बहरहाल अल्लाह ताला ने यह निस्बत की, समा फरमाया, समा हर उस चीज को कहते हैं जो ऊपर हो। यह फरमाया वलकद जअलना फिस समाई बुरूजं वज़य्यन्नाहा लिन्नाज़िरीन, नाज़िरीन के लिए देखने वालों के लिए हमने इसको खुशनुमा बनाया है और महफूज रखा है हमने इसको मरदूद शैतान शयातीन से। रजीम कहते हैं मरदूद, जिसके ऊपर फटकार पड़ी हुई है। इल्ला मन इस्तरक़स्समा, मगर जो चोरी छुपे कोई बात सुन ले, करीब में गया चोरी छुपे बात सुन ली और फिर उसके बाद क्या हुआ, फअत्बाहु शिहाबुम मुबीन, तो उसके ऊपर शहाब मुबीन आता है, ये शौला आता है रोशन शौला, और वो उसको हमला कर देता है, या तो जल जाता है या तो जख्मी हो जाता है। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबे किराम से, फरमाया कि ऐ सहाबा, जो ये देखते हैं आसमान में कोई सितारा गिर गया, आप इसको क्या समझते हैं? उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसे ये समझते हैं कि किसी बड़े शख्स का या तो इंतकाल हुआ है या कोई बड़ी हस्ती आज पैदा हुई है,
इन्हें बाद में जाकर वो बहुत बड़ी हस्ती बन जाएगी। ये यह है कि अल्लाह बचाए कोई मुसीबत आने वाली है तो आपने फरमाया कि नहीं, यह सब कुछ नहीं है, ये सब लघुवियात हैं। असल यह है कि अल्लाह तबारक ताला ने ये जो है शयातीन है तो उनको मारने के लिए ये एक चीज बनाई है। तो जो है टूटे तारे, क्या तारा टूट गया, इधर से तारा आ गया, आपने भी देखा होगा इधर चला गया, तो आपने फरमाया कि बड़े हादसे के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, किसी आदमी के मरने किसी आदमी के पैदा होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। यह अहले अरब के इब्तिदा में वो एक अकीदा था, इसकी इस्लाह फरमाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसी तरह से जब पहले जमाने में वो लाल होता था आसमान, क्या रंगीन होता था, तो पहले मेरे बचपन में भी मैं सुना था, जब सुनते थे कि लाल हो गया वो कहीं खून हो गया क्या, ये कहा जाता था। तो अहले अरब के भी यही हाथ होता था कि जब चांद ग्रहण लगता था या सूरज ग्रहण लगता था, लोग कहते थे किसी बड़ी हस्ती का इंतकाल हुआ है, उसका असर किस पर पड़ा, सूरज और चांद पर या कोई पैदा हुआ है। तो इत्तिफाकन जब हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल हुआ, जो साहबजादे हैं हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनका इंतकाल हुआ तो उसी दिन सूरज ग्रहण भी लग गया। तो लोग कहने लगे कि इब्राहिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत ऊंची हस्ती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले फर्जंद है, उनका इंतकाल हुआ था, उनके इंतकाल की वजह से सूरज में ग्रहण लग गया, वही जो पुरानी बात थी। तो आपने फरमाया कि नहीं, सूरज को ग्रहण लगना ही था तो किसी बड़े आदमी के इंतकाल की वजह से या किसी के पैदा होने की वजह से सूरज में ग्रहण न चांद में ग्रहण आएगा। फरमाया वल अर्द व मददनाहा व अलकैना फीहा रवासिया व अंबतना फीहा मिन कुल्ली शैइन मौज़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये तो आसमान की बात थी, अब जमीन की बात है। वल अर्द मददनाहा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जमीन को फैलाया, हमने जमीन को फैलाया, हमने जी वो अलकैना फीहा रवासिया और हमने इस पर डाले मजबूत पहाड़। जमीन को फैलाने का मतलब यह है, एक तो हम कहते हैं जमीन गोल है, क्या है, बीजवी शक्ल का, बीजवी शक्ल की तरह है, जैसे अंडा होता है बहरहाल गोल, तो जो गोल चीज होगी तो उस पर तो रहना मुश्किल है ना, कैसे उस पर बसेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि देखो है तो इसकी असल हैयत गोल ही, लेकिन हमने इसके अंदर रास्ते बनाए, क्या तो लोग इसमें रास्तों में चलते रहते हैं और इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बिल्कुल फर्श की तरह है, क्या वल्लार्दा फर्श ना है, वल्लार्दा फनेमल माहिदून, जमीन को हमने ऐसे फर्श बनाया जैसे आदमी बिस्तर बिछाता है और आके सो गए। अब देखिए हम यहां बैठे हुए हैं ना, अगर गोल चीज ऐसी होती तो कैसे बैठेंगे, लेकिन ये गोल इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी चीज है, इसमें बड़े बड़े मैदान भी आते हैं, यहां तो ज्यादा मैदान नजर नहीं आते हैं क्योंकि ये तो पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तान है, क्या इतने बड़े बड़े रेगिस्तान, अल्लाह, वो जाके आप सऊदी में देखेंगे, आप कोई मदीना से तबूक जा रहा है, कोई रियाद जा रहा है, या खुद मक्का और मदीना तैयबा के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है और दरमियान में वादियां आती हैं, क्या फलां वादी फलां वादी फलां वादी, अल्लाह, दूर तक आदमी नजर डाले तो कुछ भी नजर नहीं आता, आबादी कम है जमीन ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि इंसान ने उसी जगह पर बसना अपने लिए मुनासिब समझा जहां पानी हो, क्या हो, सबसे पहली चीज है पानी, तो वहां तो पानी ही नहीं है इसलिए बसेंगे कौन। या आप जंगलों में जाएंगे कितने आपको दरिंदे मिलेंगे, वहां घूमो पूरे रेगिस्तानों में, हाँ तो कोई जानवर ही नजर नहीं आता है, क्यों नहीं नजर आता है, इसलिए कि जब वहां पानी नहीं है तो कौन जिंदा रहेगा, वहां न शेर जिंदा रहेगा न भेड़िए जिंदा रहेंगे, कोई जानवर नजर नहीं आता है। आप वो ले दे के एक जगह मक्का और मदीने के दरमियान में बंदर नजर आते हैं, वो किस पर पलते हैं, बस जो लोग वहां रोटियां वोटियां फेंकते हैं ना उनको, वो भी पता नहीं कहां से वो बंदर चंद आ गए हैं, वो वहां है। तो खुलासा यह है कि वहां आबादी इसी वजह से कम है कि वहां पानी का इंतजाम नहीं,
तो पहले जमाने में जब लोग चलते रहते थे, जाते रहते थे, जहां अच्छी जगह मिल गई तो वहीं बैठना शुरू कर दिया, डेरा डाल दिया। कोई पाबंदियां भी नहीं थी कि भाई आप यहाँ के रहने वाले नहीं है, तो सारा जहां खुला ही था। तो इसलिए वो पसंद करते थे जहां पानी, नंबर दो खेती, नंबर दो जी, तो पानी भी है और खेती का मतलब है कि वो जमीन जो है वो इसके काबिल है कि वहां हम खेती कर सकते हैं, और उसके साथ साथ थे ये मवेशी, क्या मवेशी। जी, भेड़ बकरियां और घोड़े और ऊंट, ये दूसरी चीजें। तो हर हर मुल्क के अतबार से ऊंट यहाँ होते नहीं है, इस पर जिंदगी का इंहिसार था। क्योंकि मक्का शरीफ में आबादी बिल्कुल न होने के बराबर थी, क्यों, वहां सिर्फ मवेशी थे लेकिन खेती नहीं थी। मदीना तैयबा में मवेशी भी थे और खेती भी थी। इस वजह से सऊदीया आज भी जो है वो हजारों मील पर फैले हुए और कहीं आबादी नजर नहीं आती है, तो बड़े बड़े मैदान हैं। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, पीछे दो कश्मीरी औरतें बैठी थी, हम शायद या तो मदीना जाते थे, जा रहे थे, या मदीना से वापस आ रहे थे मक्का, बहरहाल जो भी हो, तो ये आपस में बातें करती थी उन मैदानों को देख देख के। कहते हैं कि है कशीरवाद ये किस कूनस मुझ, क्या मैंने सोचा अल्लाह, इनको भी अल्लाह ने इतना फहम दिया है, ये भी अंदाजा लगाती है कि यहाँ की वसत कितनी है। तो अल्लाह ताला फरमाते मैंने जमीन को फैलाया, जमीन को, ताकि लोग इस पर क्या कर सकें, रह सकें। और दूसरी बात यह है कि हमने उसके ऊपर पहाड़ बनाए, कुरान पाक में भी है और उसकी हदीसों में उसकी शरह है, जब अल्लाह ने जमीन बनाई पहाड़ों के बगैर, क्या तो यूं यूं होने लगा। और अम तसाउल में भी है ना, अलम नजल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम औताद वतद को कहते हैं, जिसको मेख भी कहते हैं, ये वो जो चीज इधर उधर हो जाती तो उसको कील ठोंक ठोंक के उसको किसी और चीज से बंद कर दिया जाता है। तो आज साइंसी तजुर्बा भी है, ये पहाड़ जमीन के ऊपर नहीं है, ये पहाड़ जमीन के नीचे तक जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वालकैना फिया रवासिया, हमने जमीन के ऊपर डाल दिए क्या पहाड़, और वअंबतना फिहा मिन कुल्ली शैइन मौज़ून, और पहाड़ डालने के बाद मजबूत पहाड़, और हमने उगाई फिहा इस जमीन में मिन कुल्ली शैइन मौज़ून, हर मुनासिब चीज, क्या हर मुनासिब चीज हमने इसमें से उगाई। मतलब तो ये है कि जो चीजें इंसानों की जरूरत के लिए हैं वो चीजें हमने जमीन में से उगाई। घास तो उगती है तो जानवरों के लिए भी चारा होना चाहिए और फिर इंसानों के लिए भी होना चाहिए, तो इंसानों की गजा का इंतजाम अल्लाह ने किसमें किया है, जमीन में किया। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इंसान का जो जिस्म है ये जमीन से बना हुआ है, किससे, इसलिए इसकी बका का जो सामान है वो जमीन से निकाला गया। इसीलिए कुरान पाक में मीना खलकनाकुम, ए इंसान इसी मिट्टी से हमने तुमको पैदा किया है, और फिहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में हम तुमको वापस डाल देंगे, वमीना नुखरिजुकुम तारतन उखरा, एक मतलब और तुमको निकालेंगे हम जमीन से कयामत के दिन। अब सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने हमको मिट्टी से कहां बनाया, मिट्टी के तो बर्तन होते हैं, है ना, हम तो मिट्टी के तो है नहीं, ये गोश्त है और हड्डियां हैं और पोस्त है और क्या क्या और रगे हैं। तो उसका जवाब यह है कि असल मादा जो है इंसान का वो मिट्टी है, क्या, इसके दो जवाब हैं। एक, हम औलाद आदम हैं, आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं, और आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने डायरेक्ट मिट्टी से बनाया, किससे, बिल्कुल तय है ये, और मिट्टी इसी जमीन से ले ली गई और किसी सयारे से कि चांद से ले लियो, सिर्फ इसी जमीन से। और हदीस में है कि वो मिट्टी एक ही जगह नहीं उठाई गई, मुख्तलिफ जगहों से उठाई गई, मतलब यहां से तो एक मुट्ठी उठाई, वहां से एक मुट्ठी उठाई, दूसरी जगह से, और चाइना से भी उठाई और इंडिया से भी उठाई और सऊदी से भी उठाई और जर्मनी जापान से भी उठा ली, अल्लाह आलम कहां कहां से। हदीस में है क्योंकि उस मिट्टी का रंग अलग अलग था, मुख्तलिफुल अलवान, और उस मिट्टी की खासियत अलग अलग थी, किसी जगह मिट्टी होती है बहुत नरम, किसी जगह मिट्टी होती है बहुत सख्त। ये जो कुम्हार बर्तन बनाते हैं ना, ये यूं ही नहीं कहीं से मिट्टी उठा ली और बर्तन बना लिया, ऐसा नहीं है, ये लोग पहले देखते हैं, इनको तजुर्बा होता है कि यहां वाली मिट्टी चाहिए, वो नरम होती है, तो जो बर्तन बनाया जाता है ना उसमें से फिर पानी टपकता नहीं, या तो नरम में तो त्रोष में, अगर त्रोष में आयस ना
ताकि अगर बनाओ ना कहां बांध, तो उसमें आप पानी रखो या दूध रखो तो टपकना शुरू हो जाएगा, तो मेहनत ही जाया हो गई। इसके लिए खास मिट्टी होनी चाहिए कि जिसमें बर्तन बनाया जाए और उसमें से कोई चीज टपके नहीं। तो हदीस में है कि चूंकि मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी उठाई गई, उसके रंग अलग अलग थे, उसका मिजाज भी अलग था। क्या तो मुख्तलिफुल अलवान, अलवान माने रंग, मुख्तलिफुल मिजाज, इसलिए फरमाया बनु आदम भी मुख्तलिफुल अनवान अलवान पैदा होंगे, वरना तो सबका एक ही रंग होना चाहिए ना भाई, सब या तो सब सारे के सारे हबशी होने चाहिए, या तो सारे के सारे घोरे होने चाहिए, या तो दरमियान में होने चाहिए बुंदबू, लेकिन ये नहीं फरमाया मुख्तलिफ। और मिजाज सबका एक होना चाहिए, पर बिल्कुल नहीं, किसी का मिजाज सख्त है, किसी का मिजाज बहुत नर्म है। तो आदम अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट मिट्टी से बनाया गया, पैदा किया गया, बिल्कुल जैसे कोई चीज बनाता है ना ऐसे अल्लाह ने उसका जिस्म बना लिया ऐसे, लेकिन अंदर अंदर से ये जिस्म बनाया, ऊपर से तो मिट्टी थी। क्या थी? जैसे अंडे के अंदर अल्लाह ताला चूजा बनाता है ना, तो बाद में जो वो मिट्टी थी वो इधर गिर गई, इधर गिर गई, अंदर से हजरत निकले जब उनके अंदर रूह डाल दी गई। तो अब हम तो ऐसे पैदा नहीं हुए हैं, हमारे तो वालिदैन हैं। उसका जवाब यह है कि इंसान की असल नुतफा है, इंसान की असल, और हम देखेंगे नुतफा आया कहां से। ये नुतफा बना खून से, किसे? खून ही नहीं होगा तो नुतफा कैसे बनेगा? और खून कैसे बना? खून बना गिजा से। जब आदमी गिजा खाता है तो उसको खून बन, इसलिए जिसकी खून की कमी होती है उसे फ्रूट खा लो, क्या खा लो? फला फला फ्रूट खा लो, तो उससे जो है वो आपका खून बढ़ जाएगा। तो खून बना गिजा से। गिजा कहां से आई? गिजा आई जमीन से। इसको कहते हैं सबब बईद। क्या? तो सबब बईद जो है हमारा वो मिट्टी है, सबब करीब नुतफा है। आदम अलैहिस्सलाम का सबब करीब डायरेक्ट मिट्टी है। तो इस तरह से अल्लाह ने फरमाया मैंने नुतफे से इंसान को पैदा किया, ये भी सही है। ये फिर मैंने मिट्टी से पैदा किया, ये भी सही है। अब जब इंसान बनाया गया है मिट्टी से, अब ये बड़ा भी होना चाहिए इंसान, तो इतना ही रहेगा क्या? तो बड़ा और जिंदा भी रहना चाहिए। कहते हैं इसके लिए जो हम गिजा बनाएंगे वो हम मिट्टी से बनाएंगे, क्या कि मुनासबत होनी चाहिए ना, मुनासबत होनी चाहिए। तो कागज को कागज के साथ चिपकाना, तो कागज ही चिपकाएंगे, लकड़ी थोड़ी चिपकाएंगे इसके साथ, या इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप हम मिट्टी से निकालेंगे इसका गिजा, इससे इसका जिस्म रहेगा जिंदा और मजबूत। अब अल्लाह ने इसके अंदर एक चीज और डाल दी, वो है रूह। क्या है सवाल? रूह को क्या करेंगे? रूह तो मिट्टी से पैदा नहीं हुई है, वो तो आलम अमर से आई है, और उसका तज़किरा कुरान पाक में है, यस अलून का रूह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, रूह क्या चीज है? कुल रूह मिन अम्र रब्बी, इजमाली जवाब दे दिया, रूह यह मेरे रब का हुक्म है, ये मेरे रब का। इसलिए मुफसरीन के नाम लिखते हैं एक है आलम खलक, एक है आलम अमर। खलक के माने जिसमें मटेरियल इस्तेमाल किया जाए, वो है इंसान का बदन, इंसान का। आलम अमर जिसमें सिर्फ अल्लाह का हुक्म हो, क्या हो? तो रूह जो है ये आलम अमर से आई है, इसलिए इंसान जो है मिट्टी का भी बना हुआ है और इसके अंदर रूह भी है। और अजीब कश्म कश है, नफ्स चाहता है कि ये पड़ा रहे, सोता रहे, खूब खाए और नींदे करे और ऐश करे और अय्याश बने। रूह चाहती है इंसान की ये ऊपर आ जाए, कहां जहां से रूह आई है। तो रूह चाहता है कि मैं इसको भी उठा के वहीं ले जाऊं, तो कश्मकश है। तो इंसान का नफ्स ये रूह को भी खींचता, चित्रोज ये चित्रोज यहीं बैठो, हम भी पड़े रहे यहीं। तो रूह कहते नहीं, हम आपको खींच के ले जाएंगे ऊपर। तो रूहानी गिजा है, आमाल साले है। क्या है? तब खाना खाने से आदमी का जिस्म मजबूत हो जाता है, और आमाल सालेहा करने से इंसान की रूह मजबूत हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने इस आयत में फरमाया कि हमने इंसान को बनाया है, फिर हमने इसी जमीन से उसके लिए गल्ले वगैरह उगवाए, उगाए और जो है मिनकुल शाही मौजून। क्या मौजून के माने आते हैं? हमने मुनासिब चीजें, क्या हर मुनासिब चीज में से हमने इसको उगाया, जो जो इंसान के काम में आएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इससे मालूम हुआ कि जिस्मानी गिजा भी इंसान के लिए जरूरी है, और रूहानी गिजा भी इनके इंसान के लिए जरूरी है। जिस्मानी गिजा इस्तेमाल नहीं करेगा, जिस्म कमजोर हो जाएगा, मर भी सकता है, और रूहानी गिजा इस्तेमाल नहीं करेगा तो रूह उसकी कमजोर हो जाएगी। लेकिन अजीब बात यह है, जिस्मानी कमजोरी तो आदमी को मालूम हो जाता है,
लेकिन रूहानी कमजोरी इंसान को मालूम नहीं होता है, ये मरते वक्त मालूम हो जाएगा कि मेरी रूह कितनी कमजोर हो चुकी थी। क्योंकि रूहानी काम छूट जाएगा तो कोई अफसोस नहीं, लेकिन ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाएगा तो फौरन जो है वो दिन में दो दो मरतबा प्रेशर चेक करा रहा है और दवाइयां भी जेब में रखी हुई है। तो इस तरह से सवाल ये कब पता चलेगा कि इंसान की रूह कमजोर है? मरते वक्त। क्या हदीस में है कि जो आदमी आमाल साले नहीं करता है, बिलखसूस नमाजों की पाबंदी नहीं करता है, और नमाज से रूह को जबरदस्त ताकत मिलती है। क्यों? हज से नहीं मिलेगी, ओ जिंदगी में एक मरतबा क्या, और नमाज दिन में पांच मरतबा है। तो जिस तरह से हम खाते हैं, सुबह नाश्ता किया, फिर दोपहर में फिर खाया, फिर प्यास लगी, इस तरह से अल्लाह ने हमारी रूहानी गिजा दिन में पांच मरतबा रखी है। और कुछ खुशनसीब ऐसे होते हैं वो आठ मरतबा रूहानी नाश्ता करते हैं, वो तहज्जुद भी पढ़ लेते हैं और चाशते भी, इसलिए उनकी रूह ज्यादा मजबूत रहती है। तो मरते वक्त जब रूह निकाली जाएगी उस वक्त इंसान अपनी रूह को देखेगा। तो हदीस में है कि जब आदमी रूह को देखेगा तो रूह उससे कलाम करेगी, क्या क्या उसे सलाम करेगी, कहते अस्सलाम वालेकुम, मुबारक हो क्या, कि खुद को भी बचाया जहन्नम से, मुझे भी बचाया। और जिसने रूह की गिजा नहीं दी है तो हदीस में है कि रूह उस इंसान के ऊपर लानत करती है, क्या उसे कहती है लानत हो तुम्हारे ऊपर कि तुमने मेरा कोई ख्याल नहीं किया, हर वक्त बस यही ख्वाहिशात में और नफ्सानी आराम में आप पड़े रहते थे और मेरा कोई गिजा वगैरह नहीं दिया। इसलिए जब वो रूह उड़ान करेगी तो उड़ नहीं सकेगी। उसी के बारे में डॉक्टर इकबाल साहब ने फरमाया था, ए तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कोता ही। तो उसकी शरह में शारीन ने लिखा है ये तायरे लाहूती मुमिन की रूह है, मुमिन की, क्योंकि ये आलम नासूत है, उसके ऊपर मलकूत है, उसके ऊपर जबरूत है, उसके ऊपर लाहूत है। तायरे लाहूती का मतलब ये कि मुमिन की रूह ये उड़ान करेगी, उसको लाहूत में पहुंचना है मरने वक्त। लेकिन अगर इसने तैयारी नहीं की है तो ये उड़ान नहीं कर सकेगा और गिर जाएगा कहीं ना कहीं। इसलिए फरमाया कि उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में, या रिज़्क से मुराद है कि आदमी गुनाह करेगा जिसकी वजह से उसकी उड़ान ही रुक जाएगी। اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع